जी वजह मेन वजह ये है जो भारी बारिश के कारण, बाढ़ के कारण माल हो गया ख़राब सब, इस तरीके का कंडीशन हो गया प्याज, ठीक है, इसी वजह से प्याज महंगा हो गया। आगे महंगा होगा अगर गवर्नमेंट इंटरफेयर करती है तो शायद कुछ हो जाए, वरना तो फिर रोज़ दे पर डे ये समझ लीजिए 100 रुपये 50 रुपये मन की तेज़ी मंडी में हो ही रही है। पहले ले जाते 25-30 किलो, अब ले जाते 10 किलो, वजह महंगाई चक्कर में। हाँ, अब पहले ले जा 30 ले जाते रहे, 35 में बेच डालते रहे, 10 रुपया 35 रुपये किलो बेच डालते रहे, अब है 60 ले जा रहे, 65 रुपया किलो, 70 से 65 रुपये किलो बेचते हैं। क्या वजह भैया, अब स्टोर में लोग ले नहीं है माल, ब्लैक मेरी हो रही है बस, अब क्या हो रहा होगा भैया। भाई साहब हम लोग ये समझ लो, पहले लाते थे तो हम लोग को 3-4 रुपये किलो नफा होती है, अब इसमें 1-1.5 रुपया किलो नफा होती है, 58 रुपये की ला के 60 रुपये किलो बेच रहे हैं। हाँ, फुटकर पर भाई ठेला वाले 80 रुपये बेचते हैं ले जाके। 60 रुपये किलो है भैया इस समय, अब इधर भी पिछले 8-10 दिन पहले 20-25 रुपये 30 रुपये किलो ज़्यादा थी, अब आज तो डबल के ऊपर क्रॉस हो गई है, बजट के बाहर रही है प्याज भैया। क्या अभी गवर्नमेंट देखना चाहिए, उसको भाव कम करना चाहिए, जितना होगा उतना कम करो, क्योंकि हम लोगों को तो कांदा लेना है, वैसे तो खाना ये तो इतना ही है कि जो 1 किलो खाते तो आधा किलो खाएंगे, हम ज़्यादा क्या कर सकते हैं। अरे प्याज का रेट तो सर से ऊपर है, जैसे कि 360-380 इस तरीके से रेट पहुंच गया, दड़ी 5 किलो, तो उस वक्त तो बस प्याज का रेट ही कुछ था ही नहीं, सस्ते में ही था, ये कोई कभी 20 रुपए किलो 25 रुपए किलो यूं लेके गए थे अभी 1 हफ्ते पहले। इस समय माल कम आ रहा है बाहर से, इसलिए रेट बढ़ रहा है डेली के डेली। हाँ हाँ जी, प्याज लेने आए, प्याज मुझे रेट अभी महंगा हुआ, नवरात्रि पहले प्याज तो 50 रुपये, अब इस समय हो गया 70 रुपये किलो हो गया प्याज, खरीद हमारी है 70 रुपये किलो, 80 रुपये किलो हम बेचते हैं भाई, पहले मिलता था 40 रुपये किलो 30 रुपये किलो मिलता था, अब एकदम 50-60-70 होगी प्याज, अब ऐसा रहेगा ना प्याज सीधा पहुँचेगा 100 रुपये किलो। हाँ जी, प्याज 100 रुपये किलो हो जाएगी प्याज।